गोंदुड़ी कोलेरी के शिव मंदिर प्रांगण में राष्ट्रीय कोलेरी मजदूर यूनियन इंटक कुसुंडा क्षेत्र समिति का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोंदुड़ी शाखा के अध्यक्ष रामायण प्रसाद ने की। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कोलेरी मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मिथिलेश सिंह ने कहा कि मजदूरों के हित की लड़ाई हमेशा ही RCMS लड़ते आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। उन्होंने बेरमो विधायक अनूप सिंह एवं फेडरेशन सेक्रेटरी जनरल SQ जाका साहब को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके अथक प्रयास से ही कोयला वेतन समझौता CWA 11 में इंटक को सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ है और अब कोयला मजदूरों की लड़ाई उनके नेतृत्व में आगे लड़ी जाएगी। मजदूरों के समक्ष बहुत बड़ी मुश्किलें, बड़ी चुनौती है जो भारत सरकार के द्वारा पैदा किया जा रहा है। उन्होंने भारत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोलेरी का निजीकरण कर पूंजीपतियों के हाथों में देना चाहती है, जो कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो कोयला मजदूरों के जीवन में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण करके खुशहाली दी, उसे भारत सरकार के द्वारा रौंदने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने मजदूरों से आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में इस मजदूर विरोधी और उद्योग विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार रहे। उन्होंने कुसुंडा एरिया के उत्पादन में द्वितीय स्थान लाने पर यहाँ के मजदूरों, अधिकारियों एवं कोल इंडिया को भी बधाई दी। साथ ही कुसुंडा एरिया के भ्रष्ट प्रबंधक के खिलाफ विरोध जताया और कहा कि 3 माह पर इस तरह का यूनियन कार्यकर्ता सम्मेलन अलग अलग कोलेरियों में किया जाएगा। कार्यक्रम का मंच संचालन जितेंद्र सिंह ने किया। मौके पर दर्जनों यूनियन के कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, आप सबको देख रहे हैं, आपके सामने सारी परिस्थितियाँ। इस सम्मेलन में सबसे पहले हम कुसुंडा एरिया की तरफ से आज जो इंटक में इंटक का जो पार्टिसिपेशन JBCCI में जो अब तक नहीं था, भारत सरकार के गलत मंशा की वजह से कुछ मजदूर विरोधी ताकतों का अड़ंगा लगाने की वजह से टेक्निकल अड़चन पैदा करके जो इंटक को कोयला वेतन समझौता के रूप में पार्टिसिपेशन से जो बाहर रखा गया था, पूरे कोल इंडिया में IR से जो बाहर रखा गया था, इसके खिलाफ जो लगातार संघर्ष चल रहा था, उसको कलकत्ता उच्च न्यायालय के माध्यम से जो निर्णय आया है, निर्णय के आलोक में हमारा जो नेता है फेडरेशन का अध्यक्ष अनूप सिंह जी और सेक्रेटरी जनरल मिस्टर SQ जामा साहब, उन दोनों के अथक प्रयास से उनके काबिलियत से जो सफलता मिली है, हम सबसे पहले आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहिए। आज इंटक को एक सम्मानजनक